नमस्कार दोस्तों, आज 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के टमाटर के क्या कुछ बाजार चले। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 25 आता तो इसमें 27 किलो, पर लेने वाले 25 किलो मानते हैं, चलो हम भी 25 किलो मान लेंगे। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला मंडी में, कहाँ कहाँ के माल आए, आज के क्या कुछ रेट चले। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मेरी प्ले स्टोर पर दिल्ली फ्रूट मार्केट के नाम से ऐप आ गई है। जो भी दिल्ली NCR के बंदे हैं, सिर्फ दिल्ली NCR के बंदे, उनको उस पर कुछ फ्रूट मिल जाएंगे, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वो जो भी रेट होंगे वो आपके घर के पहुंच तक के रेट होंगे, उसमें कोई एक्स्ट्रा कोरियर चार्जेस नहीं होगा। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, आज के क्या क्या माल आए भाई साहब के पास, कहाँ की गाड़ियाँ हैं जी, जानते हैं हनी भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। राणा साहब को बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब जी। जी भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी, कल के मुकाबले कितनी गाड़ियां हैं, कम है ज्यादा है जी, कैसी? राणा साहब आज मंडी के अंदर बंगलोर की आवक बढ़ गई है थोड़ी सी, थोड़ा सा पहाड़ों के अंदर से रास्ते में गाड़ियां खड़ी हुई थी, पहाड़ों से नीचे उतर के आई है। अच्छा जी। और तो वो भी गाड़ियां मंडी के अंदर आई है, यहाँ से थोड़ा सा दूर से मैं आपको दिखाऊं। हाँ जी। एक गाड़ी देखिए वो उतर रही है, वो पहाड़ों की, एक ये गाड़ी खड़ी है ये पहाड़ों की है। अच्छा जी। और आओ मैं इधर आऊँ, मैं अपनी गाड़ी पहाड़ों वाली दिखाता हूँ। ये टमाटर जो ये व्यापारी बैठे हुए मेरे पहाड़ वाले बैठे। अच्छा, पहाड़ वाले। ये माल उतर रहा पहाड़ों का। अच्छा जी। ये शिमला का टमाटर देखिए, ये शिमला वाले, ये शिमला वाले। ये बात बताओ भाई साहब, जो रुकी हुई गाड़ियां थी उनके टमाटर कैसे आए? जो रुकी हुई गाड़ियां उनके हल्के निशान तो आए, देखिए कैसे सड़ रहे हैं टमाटर। अच्छा जी। ये बारिश का असर देखिए मिल रहा है, ये टमाटर ऐसा होने लग गया। जो गाड़िया जी, जो रुकी हुई गाड़ियां थी देखो कितना हल्का पड़ गया, काला टमाटर पड़ रहा है। जो रुकी हुई गाड़ियां थी जी, ये सब ऐसी गाड़ियों की देखो कैसे टमाटर बारिश ने फाड़ दिया। ओहो, ये बारिश का प्रभाव है, टमाटर ऐसा फटा हुआ आ रहा है, गलन चल सब गल गया। अच्छा जी। और जो बढ़िया ताजे माल है जी, फ्रेश माल जी उनके, देखिए शिमला में तो कोई अब ऐसा कोई फ्रेश माल होगा नहीं, बहुत फ्रेश हो। हाँ जी। 19-20 माल है। ये जो टमाटर, ये सुंदर नगर का टमाटर है, ये सुंदर नगर है, बिल्कुल आखिरी तोड़ चल रहे हैं, एक दो तोड़ के बाद ये बिल्कुल समाप्त हो रहा है। अच्छा जी। कच्चा टमाटर बिल्कुल प्योर। अच्छा, एक दो के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये मैंने आपको जो हाइब्रिड दिखाया है ये सारा सुंदर नगर है, और वो शिमला की क्वालिटी दिखाई है। अच्छा जी। और बेंगलोर की क्वालिटी वो देखिए, वो लाल टमाटर। ये बताओ बेंगलोर की कितनी गाड़ी बताई आपने आज मंडी में? बेंगलोर की 18 गाड़ी की आवक हो गई है। ये बड़े वाले ट्राले जी, बड़े वाले ट्राले, एक गाड़ी में डेढ़ गाड़ी का माल, 850 जाली। अच्छा जी। अच्छा, अदर गाड़ी जो होती है, अदर गाड़ियाँ होती है। हाँ जी। अदर गाड़ी में 600-620 रेट होती है। अच्छा जी। और इन गाड़ियों में जो है 850 जाली होती है, मतलब डेढ़ गुना माल हो गया। अच्छा जी। 18 गाड़ियों का मतलब हो गया मंडी के अंदर आवक जो है बढ़ोतरी हो गई है, कम से कम दो गुना ज्यादा। अच्छा जी। रोज के कम्पेटिवली 2 गुना टमाटर आज मंडी के अंदर आ चुका है, और बाजार की जो स्थिरता बनी हुई थी वो गिरावट की तरफ आज दिखाई देने को मिली है। अच्छा जी। जी चलिए जी, जो बात करें जी आज के, पहले बताओ हिमाचल वाले जो रुके माल है उनका क्या बाजार चल रहा है? देखिए हिमाचल के वहाँ कोई भी नहीं है, वो टमाटर बोली में माल बिकेंगे 1000 रुपए से लेके 2500 रुपए तक टमाटर बिकेंगे। अच्छा, जैसे माल के अकॉर्डिंग है। अगर कलर है उस टमाटर के ऊपर, रेड कलर में टमाटर है, साफ है, कटा फटा नहीं है, तो 2000 से 2200 तक बिक सकता है। अच्छा जी। 2000 से 2500 तक बिक सकता है। हाँ जी। और अगर टमाटर कच्चा है, करारे पन पे है, हाँ जी, तो वो टमाटर 1000 से लेकर 2000 तक बिकेगा, जैसे टमाटर कच्चा टमाटर है। अच्छा जी। इन कच्चे टमाटरों की इमेज जो है कम है मार्केट के अंदर, देखिए। अच्छा, ये हरे टमाटर है, ये निशान वाले टमाटर, इनकी वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में है। अच्छा जी। ऑक्शन अभी यहाँ पे बोली होगी, बोली के ऊपर किसानों के सामने खुला करके बिका जाएगा। अच्छा जी। इनकी रेंज जो है ये है। और जो सुंदर नगर है जी, सुंदर नगर के कच्चे पके टमाटर है, उसकी भी पोजिशन ये समझिए 1500 से लेकर 1800 रुपए तक, 1500 से 1800 तक माल की क्वालिटी फेल है, बढ़िया। अच्छा, माल होता तो 3000 तक बिक सकता था हाइब्रिड टमाटर। अच्छा जी। जी। और जो बात करें बेंगलोर के हाइब्रिड, बेंगलोर के टमाटरों में भी गीलेपन की शिकायत आए, देखिए कैसे बिल्कुल सड़ रहे हैं। ये बरसात लगी जी इनको? ये बरसात नहीं है, नहीं है, टमाटर की क्वालिटी ऐसी है जिसके कारण थोड़ा सा गीलापन दिखाई दे रहा है। अच्छा जी। अच्छा, कई सारी क्रेटों में देख रही है ये, देखिए। अच्छा जी। थोड़ा सा ये सफाई कराइए, 2-3 किलो टमाटर अलग करवाए। अच्छा जी। जो बेंगलोर के टमाटर है जी लाल वाले, इनका क्या जो बेंगलोर की जनरल पोजिशन जो कल परसों तक 3200-3300 तक बिक रही थी, हाँ जी, आज उसकी पोजिशन जो है 2700-2800 रुपए तक टमाटर बिक रहा है। अच्छा जी। और जो उससे भी अच्छी क्वालिटी, जो बहुत फाइन क्वालिटी, 4000 के आसपास थी, 4000-4500, अब 4000 रुपए की कोई रेंज नहीं है। टमाटर के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, अब जो हाईएस्ट रेंज हो गई है वो 3000 रुपए की टमाटर की हो चुकी है। अच्छा जी। 2700-2800 रुपए जो है हल्का भारी माल बिक रहा है, नॉर्मल टमाटर बिक रहा है। हाँ जी। और जो सुपर फाइन क्वालिटी का टमाटर है, हाँ जी, वो टमाटर बिक रहा है 3000 रुपए। ये जो साहू बीज की बात कर रहे हैं, साहू बीज है बिल्कुल सूखा टमाटर, ये गीला माल है, गीला माल। सूखे की बात करो ना जी, सूखे। ये देखिए, जैसे ये भी फाइन क्वालिटी नहीं है, छोटा टमाटर है। अच्छा जी। इसकी रेंज भी इतनी नहीं है,
अच्छा जी, बिल्कुल चना टमाटर है देखिए। अच्छा जी, जो इसमें बढ़िया मोटे टमाटर है जी, सूखे टमाटर 3000 रुपए बहुत आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, टमाटर साइज छोटा है। तो कल से कितनी गिरावट आएगी? आज कल से गिरावट में 400 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, डिपेंडिंग ऑन माल के ऊपर। अच्छा, बढ़िया माल है तो उसके ऊपर 300 की गिरावट है, हल्के मालों में 500 से 600 रुपए की गिरावट है। अच्छा जी, और जो इसके अलावा सुंदरनगर के अलावा हाइब्रिड कहाँ गया मंडी में? और देखिए नारायण गाँव का टमाटर आ रहा है, आज महाराष्ट्र आ जी आज आई हुई है, कल गाड़ी नारायण गाँव की बिकी थी 43, 44, 4500 तक। आज उसके रेंज जो है 3800 से 4000 रुपए हो गई है बाजार में, उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है नारायण गाँव वाले। नारायण गाँव अच्छा, महाराष्ट्र की एंट्री हो चुकी है अभी? महाराष्ट्र की एंट्री है, नासिक अभी टमाटर निकलेगा, जैसे जैसे टमाटर बढ़ेगा दिल्ली वाले टमाटर, दिल्ली की तरफ टमाटर चले। तो महाराष्ट्र की कितनी गाड़ियां रिवाइज आती है? महाराष्ट्र मेरे हिसाब से एक गाड़ी तो यहाँ पे और एक गाड़ी और हो सकती है, दो गाड़ी होंगी या एक ही। अच्छा, और बेंगलोर की कितनी बताई आपने? बेंगलोर की 18 गाड़ी मंडी के अंदर आज आई हुई है, ये बड़े वाले ट्रॉले 850 तक के। यहाँ से दूर देखो, वो देखिए एक गाड़ी वो अभी आई है, रास्ता त्रिपाल फूल रहा है। अच्छा जी, वो देखिए वो त्रिपाल उठा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो जो है गाड़ी अभी बेंगलोर की आई है, मतलब 18 के बाद एक गाड़ी अगर वो भी अभी आई होगी तो एक गाड़ी की और बढ़ोतरी होगी, 19 गाड़ी की मंडी के अंदर आवक हो चुकी है। अच्छा जी, और दो आपने महाराष्ट्र की बता दीजिए। महाराष्ट्र की एक या दो है, मेरे को कंफर्म नहीं पता, एक तो कंफर्म है। हाँ जी, एक और भी हो सकती है मार्केट। अच्छा जी, इसके अलावा सुंदरनगर की कितनी होगी? सुंदरनगर की 2-4 गाड़ियां जो होंगी, छोटी गाड़ियां 250-300 ग्रेड वाली। और ये जो अपना शिमला सिलाई ये वाली पहाड़ों की गाड़ियां जो है, 10-12 गाड़ियां पहाड़ों की आज आई हुई है मंडी के। अच्छा जी, तो रास्ते खुल गए जी इनके जी सारे? वो रास्ते अभी रिपोर्ट जो है थोड़ी देर में आएगी, रास्ते खुले हो या ना खुले हो, साइडों से घुमा करके कहीं दूसरे रास्तों से लेके मंडी के अंदर वो आई हुई है गाड़ी। अच्छा जी, यानी कल से थोड़ी सी गिरावट है जी टमाटर में जी, बाजार के अंदर 300-400 रुपए की गिरावट है। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए। भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? 98-111-63-748, नाम दीपक ढिंगरा, फर्म का नाम अशोक कुमार सुभाष चंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई साहब, थोड़ा इसकी भी शक्ल देख लो, ये भी टमाटर खरीदना है, अगर भाई मेरी भी वीडियो दिखा लो मेरे घर के देखेंगे। लो जी, टमाटर में तो थोड़ी सी आज राहत मिली, राहत भी मैं तो कह नहीं सकता जी राहत मिली या नहीं, पर जो देखने वाले हैं उनको लगेगा कि राहत मिली, क्योंकि रेट थोड़े से कम हुए, पर ये तो जो दोस्तों रेट थे ना, देखो जी जो भी बात है नजायज थे जी, इतने भी ना होने चाहिए, रेट ऐसा हो कि सबका काम चल जाए ठीक ठाक, सबके पैसे बन जाए, सबको खाने को मिल जाए, और सारे बेचने वाला भी, उगाने वाला भी, जानने वाला भी, सब खुश हो जाएं, खाने वाला भी खुश रहे सारे के सारे। वो भी गलत था जब ये 50 रुपए की, आज से एक महीना पहले 50 रुपए की 100 रुपए की क्रेट बिक रही थी, और ये भी गलत है था जी जो 3000, 4000, 5000 तक की क्रेट चली गई, ये भी गलत है जी। दोस्तों कन्फर्म हो चुका है नारायण गाँव की 4 गाड़ियाँ आई, बाद में 3 लगी थी, जैसे ये नारायण गाँव का हाइब्रिड टमाटर, इसको बोलते हैं नारायण गाँव महाराष्ट्र का, ये इंट्री मार गया अब, ये शायद टमाटर को अपने हाथ में ले ले मार्केट को, क्योंकि बेंगलोर इतना कोटा पूरा नहीं कर सकता, वहाँ के जो हाइब्रिड देसी टमाटर है महाराष्ट्र की ये फसलें हैं, नारायण गांव या महाराष्ट्र जब तक मंडी में नहीं आएगा तब तक दिल्ली कंट्रोल में नहीं होगी। अभी कन्फर्म हो चुकी है 4 गाड़ी गिनते हैं, ये दिखाया मैंने आपको महाराष्ट्र का नारायण गाँव का माल, और भी दुकानों पर हो सकता है, चलते रहे देखते रहे घूमते रहे सारी की सारी। ये भी बेंगलोर है जी दोस्तों, बड़े ट्रल्ले हैं जी, इधर भी है, इधर भी है, और ये हिमाचल निकलने लग रहा। एक मिनट रुकिए भाई, क्वालिटी देख ले हिमाचल की कैसी है। यह दोस्तों अभी अभी गाड़ी लगी, देखो क्वालिटी सारी की सारी दोस्तों बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं है, ये रुकी गाड़ी भी नहीं बोल सकते जी इसको, क्या आपका भी क्या सिस्टम है जी इसका, क्योंकि बरसात ज़्यादा पड़ी, बरसात पड़ने के कारण वो पानी पी गए टमाटर, ओहो लोगों को खाने के नहीं मिल रहा, लो कीड़े भी खाएंगे, गले भी खाएंगे, मक्खियाँ भी खा रही टमाटर जी। ये देखो ये बिल्कुल नई क्रेट है, अब तक इसका हाथ भी नहीं लगा, क्योंकि इसके ऊपर बेल्ट पेपर है लगाया, पेपर अखबार लगी है लगाया, जिस भी किसान की होगी, ये रुकी गाड़ी है देखो, उसका सारा माल खराब हो गया, डैमेज हो गया, यानी ये कूड़े के ढेर में, सारी की सारी क्रेटें जितनी देख रहे आप, ये सब की सब जो है रुके माल हैं, और इन्होंने साइड में लगा दिए, ये बिकेंगे नहीं, छांट छूट के बाद में बिकेंगे, इसका मतलब रुकी हुई गाड़ियाँ आई जी इनके पास, और ये देखो पानी छोड़ गया सारा टमाटर रुकी हुई गाड़ियों का, ये है जी हिमाचल वालों का। देखा जाए आज की तारीख में, कल की तारीख में, परसों की तारीख में, ये 3000 रुपये की एक क्रेट थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 18 रुपये की, 18 से भी 20000 रुपये का ये टमाटर नहीं था, और आज इसमें से पानी निकल गया,
और ये खत्म है। और एक ही बंदे का लोट है जी, देखो जी ये क्या हो गया। ये है हिमाचल वालों का नुकसान, जो सोच रहे कि हिमाचल वालों ने पैसे बांट लिए। ये जितनी भी गाड़ियां हैं, ये जो लग रहे हैं, ये हिमाचल वालों के माल हैं। गाड़ियां रुक के आई जी, बोली तो देखनी पड़ेगी दोस्तों, कहां तक बोली चल रही जी यहां पर। अर्जुन रिचार्ज दत्त, रिचार्ज दत्त, ये दोस्तों देखो क्या शानदार माल सारवण भगत बोली कर रहे यहां पर। वजन देखो जी, इसमें कम से कम 32 किलो वजन है जी, 32 किलो वजन, 30-32 किलो वजन है जी, 32-33 किलो वजन। बाकी आप ही का है माल ये, हमारे मैं फॉरवर्डिंग करता हूं सुरेंद्र जी, ये ग्रोवर है 34-35 चक्कर ना खा जियो, 3500 रुपए दोस्तों, 3500 रुपए। हाँ जी इधर आओ जी, इधर आओ। ये कैसा कैसा माहौल है, रास्ते खुले ना कैसी? रास्ते तो बुरा हाल है जी, रास्ते का बंद है। अच्छा, बहुत बिकट परिस्थिति है। आप कौन से एरिया से आए? अब घूम हम सिलाई से आए जी, सिलाई कपोटा, सिलाई सतोन वाला रास्ता खुल गया? नहीं खुला जी। तो आप किधर से आए? उत्तराखंड विकास नगर से आए। ये जो अपना दूसरा चला गया विकास नगर से, ये स्पोटा साहब वाला जो रास्ता खुला नहीं, भी अभी खुला नहीं है। अच्छा जी, और जो रुकी गाड़ियाँ कितनी है जी? अभी रुकी गाड़ियाँ बहुत सारी है। अच्छा जी, और आ रही है अब खुल रहा है। और खेतों में क्या पोजीशन है? पोजीशन सर बरसात से बहुत बुरी हाल है, माल थोड़ा नहीं आई है, माल थोड़ा फट, चट्टाने आ गई ऊपर से, बहुत चट्टाने आई है। अच्छा, हिमाचल का माल फट रहा है इस टाइम ना, बारिश के कारण। अच्छा, इसके कारण थोड़ा रेट थोड़ा उतना नहीं मिला, हालांकि ये जो है 4000 से ऊपर जाना चाहिए था जिस हिसाब से माहौल है। अच्छा जी, लेकिन थोड़ा बीच में इसमें भी कहने की थोड़ी क्रैकिंग है हल्की हल्की। अच्छा, इसकी वजह से ये 3600 रुपए गया। अच्छा जी, 3500 गया, 3500 गया जी। पर इसमें वजन तो आपने बहुत ज्यादा पाया जी। वजन तो ये इनका कमाल है सुरेंद्र जी का। अच्छा, इनका था ना, हमेशा टॉपर रहते हैं। अच्छा जी, इनकी ग्रेडिंग इनके हाथों में बड़ा जादू है जी। अच्छा, तो आपने 35 किलो तक, 32 किलो तक, 33 किलो वजन पा दिया? 33 किलो वजन का होता है इस पे गत्ता लगा के जी। लो जी 32 किलो, ये इस भाई साहब क्या नाम है जी अपना? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र कौन से गाँव के? ये शिल्ला पड़ता है जी हमारा गाँव, शिल्ले के। अच्छा, ये दोस्तों गिल्ला है, ये गिल्ला टमाटर है, देखो इसमें फट गए, फट हुए है। ये देखो तेरा है। हाँ जी, ये गाड़ी लेट हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा माल ना दब गया है। हाँ सर, ना कितने गए? 1300 दोस्तों, वो गया कितने का? वो 3500 का, और ये 1300 का। ये कारण ये है कि ये जो गाड़ी है कल जाम की वजह से, एंट्री ना मिलने की वजह से कल 12 बजे पहुंची यहाँ पे। अच्छा जी। जिसके कारण जो माल है बरसात के कारण, माल एक दिन लेट होने की वजह से ये माल ना थोड़ा सा वो हो गया, क्या नाम इसमें, दागी हो गया, दागी आ गया। हाँ, दिक्कत आ गई जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउन है, अदरवाइज रेट डाउन नहीं है। तो समझो 1 3500 का गया इनका, और अब ये 1300 रुपए का। इन्होंने बिल्कुल साफ करके ग्रेडिंग अलग से की थी, जिसकी वजह से वो फंगस नहीं आया इसमें। अच्छा, और माल में फंगस आ गया, जिसकी वजह से जो माल है थोड़ा डाउन हो रहा है। अच्छा, अदरवाइज 2000 से ऊपर के रेट है, अच्छे बढ़िया माल के तो है जी, बढ़िया 2500-3000 तक भी रेट है। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी। लो जी, लो जी, जान लेंगे SPN टमाटो कंपनी से भी क्या बाजार चला। भाऊ जी आ तो खुद ही गाड़ी पे खड़े हो गए, इनके पास भी बड़े वाले ट्रले हैं जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी राणा जी। भाऊ जी आ तो काफी गाड़ियां आ गई बेंगलोर की जी। हाँ जी, बेंगलोर तो आना था जी, जब तेजी थी बाजार में तो पैसा बनी रहा था। अच्छा जी, व्यापारी को भी जो है। अच्छा जी। हाँ, पर अब मेरे को ऐसा लग रहा है जी, जो पीछे भराया उसी भाव यहाँ बिकेगा, उसी से कम बिकेगा। अच्छा जी, आ तो चार गाड़ी गिन लीजिए मैंने नारायण गाँव की, चारों ली। चार नारायण गाँव और बेंगलोर जी। बेंगलोर की 17 बता रहे जी, 17-16। आप भी रिपोर्ट गिन के गाड़ी आप ही आ करो सर। अच्छा जी, बेंगलोर 4
चार नारायण गाँव। हाँ जी 21 गाड़ी माल है। 21 गाड़ी तो बड़ी, अभी इधर देखूंगा कितनी हो। इधर कोई नहीं है सर, इधर परली साइड में कोई नहीं है जी। नहीं जी उधर खाली है सर। और ये इनके चवान एंड कंपनी पे है जो भी है बस। ये तो गिनती में है, ये तो गिनती में आ ली जी जी। अच्छा जी अच्छा जी। तो यानी 4-17 बेंगलोर और 4 नारायण गाँव हो गई जी जी जी। और बाकी तो बॉडी पूरी हालत है जी। शिमला भी है, टेम्पू भी है, 10-12 टेम्पू भी होंगे। हाँ वो तो लिए जी। इसमें सुंदरनगर भी है, 2-3 गाड़ियां जी जी। एक क्रेट 3500 की गई और एक 1300 रुपए की। कितना बार डिफरेंस आ गया है भाऊ जी इसमें तो जी। इसमें शिमला में ये है जी, टमाटर लेके 1100 से लेके 3500 तक बिका होगा, आपने भी सुनी होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो 35 किलो वाला माल बिका उसमें 35 किलो वजन है। अच्छा जी जी, इसलिए 3500 बिका हो। और जो ये गले हैं जी, इनका क्या बनेगा? ये गले जी है यही 500, 700, 1000, 800 जैसे भी माल ऐसे बिकेंगे। ओहो जी, ये तो बड़ा गाड़ी। और ये जो गाड़ी अभी अभी खोल लिया आपकी दुकान पे गाड़ी? हाँ ये सुंदरनगर आई है। ये सुंदरनगर है? हाँ जी। क्वालिटी तो इसमें भी कुछ नहीं है जी? क्वालिटी नहीं है जी, बस जो है बिखरा है ना होने में बिखरा टमाटर ये है। अच्छा जी। और ये हाइब्रिड कहाँ का है? ये बैंगलोर का है जी। ये बैंगलोर का है? ये गाड़ी बैंगलोर की है। अच्छा जी, ये पूरी अन्ना गाड़ी है जी? हाँ जी ये बैंगलोर की। इसका क्या बाजार चला भाऊ जी अपने पास? हाइब्रिड मानो जी बाजार आप लेके 3500 से लेके 4000 के बीच में। अच्छा जी जी। और ये वाला, ये बैंगलोर है? ये बैंगलोर है जी, 3000 से लेके 3500 के बीच में। अच्छा जी अच्छा जी जी, जैसा माल है सब। तो कल से कितना गया जी नीचे जी? कल से कम 400-500 रुपए की गिरावट है बाजार में। बाजार में बैंगलोर में। अच्छा, और ये कंटिन्यू गाड़ी है सड़क पे ऐसे ही आ रही लगातार? हाँ जी, गाड़ी रास्ते तो खुल गए हैं, कल रास्ते इन्होंने। नहीं नहीं नहीं, जो पीछे से बैंगलोर से आवक आ रही, जैसे आज गाड़ी और बढ़ेगी, कल और बढ़ेगी मेरे ख्याल से, परसों और बढ़ेगी। रास्ते में गाड़ियां काफी हैं जी? हाँ काफी है, जैसे हमारे पास एक आ रही थी हमने 2 कर दी, 3 कर दी। अच्छा, और उन्होंने भी एक आ रही थी उसने भी 2 भरा ली, 3 भरा ली। अच्छा जी, ये है जी। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों ये है इनकी दुकान का एड्रेस है जी, और इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है जी। और दोस्तों लो जी, अभी हमारे साथ जो है दिल्ली, ये जो टमाटो मंडी के प्रधान जी हैं और एपीएमसी के बोर्ड मेंबर भी है यहाँ के, चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं टमाटर मंडी के प्रधान जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम तो इस रेट को ये भी नहीं कह सकते कि ये ज्यादा है, और ये भी नहीं कह सकते कि कम है। अच्छा, क्योंकि मैं तो किसान हूँ, ठीक है जी, और मैं तो पत्रकार हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। पर मैं तो एक बार बोल तो गया बीच में भी, इतना नजायज भी ज्यादा नहीं, ठीक है जी। देखो ये आपका कोई कसूर नहीं है ना हमारा कसूर है, ये समय की बात है। सबसे पहले तो मेरा किसान भाइयों को, आढ़ती भाइयों को, मजदूर भाइयों को, सभी क्षेत्र वासियों को सावन की शुभकामनाएं और नमस्कार, सुबह की राम राम आपको भी जी। राम राम जी। हाँ जी। तो ज्यादा हो गया था जी ये तो रेट बहुत? देखो ये टमाटर क्या हमारे पास कोई था नहीं, हरियाणा यूपी राजस्थान बहुत जल्दी फसल खत्म हो गई थी। हाँ जी ठीक है, हमारे पास सिर्फ हिमाचल से ज्यादा टमाटर बचा था, वो भी हिमाचल में एकदम बरसात आई, बेमौसम बरसात हुई है, तो हिमाचल से टमाटर खत्म हो गया बहुत ज्यादा। 3-4 दिन लगातार बारिश हुई तो ऊपर के रास्ते सारे बंद हो गए थे। हाँ जी। तो बीच में कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। अच्छा, तो वो रेट का एकदम ऊपर चढ़ गया। अच्छा, अब धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। हाँ, आज में कल में बाजार में 300-400 रुपए करेट का फर्क है। अच्छा जी, जो नए बंदे सुनते हैं ना जी, जिनको टमाटर की जानकारी नहीं है, हाँ हाँ, उनको भी ये बात बता दो कि आपके हाथ में भी है या किसी के हाथ में, जो स्टोरी बोलते हैं जिसको? नहीं नहीं नहीं, हमारे हाथ में कोई नहीं है, ये मंडी का पेरिसेबल आइटम है भाऊ जी, इसको हम कोई स्टॉक नहीं कर सकते, इसको कोई रोक नहीं सकते। ये बरसात का ये सब एक बकवास है, इसको टमाटर का स्टॉक कर दिया वो कर दिया, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आइए गाड़ी आपके सामने, गाड़ी खड़ी है अभी बिक जाएगी। अच्छा, हम इसको कोई ये थोड़ा ना कल तक रोक देंगे। और वो तो वहाँ की डिमांड बताएगी जहाँ से खरीद कर आया, जहाँ से अभी जैसे हमारा ऊपर बेंगलोर से खरीद रहे, हाँ तो बेंगलोर वाले रेट खोलेंगे। ये किसानी माल नहीं है, हाँ ये सब खरीदी का है, आठ की भाइयों की खरीदी है। अच्छा, एक गाड़ी 20-22-23 लाख की गाड़ी बैठ रही है इस टाइम, बहुत बड़ा रिक्स है। ठीक है, रस्ते में कुछ हो जाए तो कोई हमारे को संभालने वाला नहीं, कोई एपीएमसी नहीं संभालेगी, कोई भी नहीं संभालेगी। अच्छा जी। हाँ जी, ये अपने रिस्क पे ही है, ये अपने रिस्क पे है, बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इस काम करने के लिए। जैसे अब ये कल के मुकाबले आज 500 रुपए कम हुआ है जैसे? हाँ, तो 500 जो नहीं, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सामान्य हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना, क्योंकि रस्ते खुल गया तो आज हिमाचल भी आया, कल भी आया हिमाचल, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा जरूर रेट। अच्छा जी। हाँ जी, चलिए जी, धन्यवाद सर जी, संभाल के रखो जी दिल्ली की मार्केट। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। एक बार दुकान का एड्रेस? मैं हिंदुस्तान टमाटो कंपनी, टमाटर एसोसिएशन प्रधान, एपीएमसी मेंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 9899352777 अशोक कौशिक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये है दोस्तों टमाटर मंडी का नजारा, जहां तक आपकी नजर जाएगी वो लास्ट में जो है टमाटर है, सारी दुकानों पे टमाटर नहीं है। पहले के टाइम में ऐसा था कि हर दुकान पे टमाटर की, अब इक्का दुक्का एक दो दो तीन तीन दुकानें छोड़कर गाड़ियां हैं, जहां पर वो लास्ट बंदा खड़ा है, सारी जितनी भी ऊंची गाड़ियां दिख रही ये सारी की सारी एक गाड़ी। भाऊ जी इनका सर अंदाजा नहीं लगा, अभी जो है ना एक गाड़ी कम से कम 35-40 लाख रुपए की बनती है जी इस समय, ये सारी बड़ी गाड़ियां हैं जी ये।
बेंगलोर की और अपना महाराष्ट्र की।